चलें प्यारे बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होगा रहा था, रही थी, रहे थे। हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा? रहा था, रही थी, रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब हो गया कंटिन्यूटी बने का होना, यानी निरंतरता का होना। इसमें क्या करना है? कंटिन्यूअस है तो इंग्लिश में इसका पहचान होगा बी प्लस वर्ब में आईएनजी। ये कंटिन्यूअस का मेन पहचान है, ये इतना होना चाहिए। जब भी कंटिन्यूअस होगा तो बी प्लस वर्ब में आईएनजी होगा। अब आगे देखिएगा, ये पास्ट है तो पास्ट का में बी का जो रूप होता है वो होता वाज या वर, और उसके साथ क्या लग जाएगा? वर्ब में आईएनजी। क्लियर हो गया? यानी मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस के लिए क्या जानना है? वर्ब बी लगेगा, उसके साथ वर्ब में आईएनजी। तो बी के साथ वर्ब में आईएनजी लगाया तो हो गया कंटिन्यूअस। अब किसका कंटिन्यूअस है? पास्ट का है। तो टेंस बताने के लिए प्राइमरी ऑक्सिलरी का यूज किया जाता है, तो यही प्राइमरी ऑक्सिलरी, यही प्राइमरी ऑक्सिलरी बी अब पास्ट में जाएगा तो इसका पास्ट रूप जो होगा वाज या वर होगा। इसका अगर प्रेजेंट रूप तलाशेंगे तो इज एम आर होगा, इज एम आर होगा। और यहां पे क्या हो गया? वाज या वर हो गया, तो पास्ट। अब कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस। अब देखा जाए जरा, तो वाज या वर के साथ वर में आईएनजी, तो पता चला कि वर में आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल है और यह बी का रूप है और ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो बी के साथ जब प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ करता है तो कंटिन्यूअस हुआ करता है। याद रखिएगा इस बात को, जो तर्क दे रहा हूं कि वर्ब बी के साथ जब वर्ब में आईएनजी हुआ करता है तो कंटिन्यूअस हुआ करता है, तो ये कंटिन्यूअस हो ही गया। अब कहेंगे कि किसका कंटिन्यूअस? तो कहेंगे पास्ट का। कैसे पता चलेगा? तो बी का रूप पास्ट में जब होगा तो वाज या वर ही होगा, कुछ और नहीं होगा। तो ये वाज और वर प्लस वर में आईएनजी ये कंटिन्यूअस को बताने लगा। तो आपने अभी अब तक जाना कि हिंदी में पहचान उसका होगा, हिंदी वाक्य के अंत में आएगा रहा था, रहती, रहे थे। अब वही जब इंग्लिश में जब जाएंगे तो इंग्लिश वाक्य के अंत, इंग्लिश वाक्य में आया रहेगा वाज या वर प्लस वर में आईएनजी। चलें, हिंदी में तो हम जानते हैं रहा है, रही है आया तो प्रेजेंट हो गया, रहा था, रही थी आएगा तो पास्ट हो गया, ता था, थी, थी, ता, ये इस तरह से आया तो इंडिफिनिट हो गया पास्ट का। तो इंग्लिश, इंग्लिश में इसका पहचान क्या है? तो इंग्लिश में इसका पहचान होगा वाज या वर के साथ वर्ब में आईएनजी। अर्थात जब भी टेंस पहचाना जाता है इंग्लिश में तो क्रिया को देखा जाता है, क्रिया ही बताया करती है। हिंदी में भी क्रिया ही बताया करती है, हिंदी ये भी क्रिया है लेकिन हम नहीं जान पाते हैं उसको क्रिया है, लेकिन जानने वाले जरूर जानते हैं। तो यहाँ पे भी क्या, यह क्रिया है, कहेंगे यह क्रिया है, यह क्रिया है, कहेंगे ये पूरा बॉक्स ही क्रिया है, कहेंगे कैसे पूरा बॉक्स क्रिया, इसको तो हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इसको मेन वर्ब कहते हैं, कहेंगे कि वर्ब ही तो कह रहे हैं, वर्ब को डिवाइड किया गया तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में बदला, तो यह मेन वर्ब है और यह हेल्पिंग वर्ब है, यह हेल्पिंग वर्ब है और यह मेन वर्ब है। अब ऐसा भी मत सोचना कि वाज या और वर जब भी रहेगा वो मेन वर्ब रहेगा, हेल्पिंग वर्ब के ही रूप में रहेगा, नहीं, ये कभी मेन वर्ब भी हो सकता है। कब मेन वर्ब हुआ करता है? उसको कभी बताया गया था वाज या वर के प्रयोग में, जब इसके तुरंत बाद क्रिया ना आए तो यह मेन वर्ब हो जाया करता है। लेकिन यही वाज या वर वर्ब बी के साथ आईएनजी के साथ आया हुआ, वर्ब में आईएनजी यानी आईएनजी फॉर्म के साथ आया हुआ, तो क्या कर रहे हैं? इसको कह रहे हैं कि यह हेल्पिंग वर्ब है। अभी इसको कहते हैं क्रिया का कौन सा रूप लगा हुआ है? तो कहेंगे क्रिया का फोर्थ फॉर्म लगा हुआ, फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। ये फोर्थ फॉर्म क्या हुआ करता है? फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गॉन और गोइंग और गोज, और अगला होगा गोज, ठीक ना। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म को फोर्थ फॉर्म कहा जाता है, ठीक ना। तो इसको फोर्थ फॉर्म कहते हैं। इसी को कहा जाता है ग्रामर की भाषा में प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अभी इस समझ में ना, पर ये पास्ट पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहां से आ गया? नहीं, क्रिया के आईएनजी फॉर्म को जो यहां पे क्रिया यूज हुई है तो इस क्रिया के इस फॉर्म को कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी क्रिया के आईएनजी फॉर्म को जिसको आप फोर्थ फॉर्म कहा करते हैं, ठीक ना, उसको हम कह रहे हैं कि ये ग्रामर किससे लिंक करा करके कह रहे हैं, तो आप ये समझें कि ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्रिया के आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। और इसको किसके साथ यूज किया जाता है?
बी के साथ यूज किया जाता है। पास्ट में बी का रूप क्या होगा? वाज्य वर्ब होगा। बात तो इतने समय में आ गई होगी, ये जड़ में मैं था। अगर नहीं बात समय में आई तो फिर से कमेंट में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि फिर से इस पर कोई वीडियो लोड कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। आपने जाना वाज्य वर्ब के साथ किया। अब देखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होगा? स्वीकारात्मक वाक्य, इसमें काम को स्वीकारा जाएगा। तो इसका रूल क्या बन जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा एस वी ओ ट्रांसलेशन का यही नियम है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब या अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे इसका जब स्ट्रक्चर तैयार होगा तो हम इस तरह से स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद से क्या लिखेंगे? वर्ब। अब वर्ब का जो यहाँ इसमें रूप है तो यह वर्ब का यही रूप है, देख लीजिए आप, वर्ब का यही रूप है तो वर्ब का ये रूप लिखेंगे। वर्ब लिखना है तो वर्ब का मतलब अब ये पूरा बाक्स उठा करके यहां लेते आएंगे, यानी बी के साथ वर्ब में आई एन जी, बी का रूप यहां पे क्या लग जाएगा? पास्ट है तो वाज अवर लग जाएगा, तो इसलिए यहां पे क्या लगा देंगे? वाज आवलिग वर प्लस वर्ब में आई एन जी प्लस अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट कहिए चाहे अदर वर्ड कहिए, आपने इतना जाना। यही है कंटिन्यूअस। किसका कंटिन्यूअस है? तो पास्ट का कंटिन्यूअस है। मैं जड़ में जाकर करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यूट्यूब पे भी अगर इस तरह का जिस चीज को मैं जिस जड़ में से निकाला अगर पाएंगे तो फिर कहिएगा, नहीं पाएंगे मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक ना। तो ये जड़ में गए थे, इसके वजह से अगर थोड़ा सा वीडियो लंबा हो तो घबराने की जरूरत नहीं, मैं आप ही के लिए तो मैं देखिए मैं जल्दी जल्दी तो बात कर रहा हूँ, ऐसा भी तो नहीं मैं कह रहा हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ये भी नहीं इसमें टाइम पास कर रहा हूँ। आप आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज अवर, उसके साथ वर्ब में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब सब्जेक्ट के बारे में जान लें। सब्जेक्ट हमारे दो तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर जब होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन आते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट में ही सी इट या कोई एक नाम, उसको सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कहा गया है, ठीक है। और यहाँ पे आई को भी शामिल इसमें कर लिया गया, आई के साथ भी हम वाच का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ इतना? हमने क्या जाना? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। वर का प्रयोग किसके साथ करेंगे अभी इस बात को जाने, वर का प्रयोग किसके साथ करेंगे अभी इस बात को जाने। तो ध्यान दीजिएगा वर का प्रयोग, चमक लाए आएगा। चलिए यहां पे दिखा देते हैं। दे वी यू एंड नेम्स, इनके साथ किसका प्रयोग करेंगे? ये नाउन कह लीजिए, यहाँ पे नेम मैंने लिखा तो नाउन समझिए, इसको नेम्स कर दिया तो नाउन्स कह लीजिए, यानी सिंगुलर नंबर नाउन यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे प्लूरल नंबर नाउन रहेगा। ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इनके साथ हम क्या लगाएंगे? वर्ड लगाएंगे, है ना। तो अब आपने सीखा कि ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वाज लगाएंगे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर लगाएंगे, और सबके साथ क्रिया किस फॉर्म में रखेंगे? आई एन जी फॉर्म में रखेंगे। बात इतनी समझ में आ रही होगी? आगे बढ़ते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं तो अलग ही हूं। आगे बढ़ते हैं। अब इसका ट्रांसलेशन देखिए क्या होगा। इसे हिंदी में एक सेंटेंस उठाते हैं, वह आ रहा था, वह आ रहा था, वह आ रहा था। देखिए बीते हुए समय में काम हो रहा था, काम का जारी रहना पाया जा रहा है, इसलिए यह पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है। वह आ रहा था, वह का इंग्लिश क्या बन जाएगा? ही वाज। आना इंग्लिश क्या बन जाएगा? कम। अब आई एन जी जोड़ना है तो ई जो लास्ट में आया ई को हटा देंगे, आई एन जी जोड़ते समय ही वाज कमिंग, ही वाज कमिंग, वे लोग जा रहे थे, क्या बन जाएगा? दे और Going, मैं पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। आप हिंदी बाद में लिखिएगा, अपने कॉपी पे नोट करते रहिएगा, और आप अपने कॉपी कलम को लेकर के बैठा करें अगर सीखना है तो।
नहीं दर बदर भटकना है तब क्या करना है, ये वैसे कह दीजिएगा मतलब दाढ़ी वाला क्या बताएगा, और ये इस तरह का वीडियो हम क्या पढ़ेंगे, इससे बढ़िया बढ़िया वीडियो पढ़ेंगे, तो बढ़िया वीडियो पढ़ते रह जाएगा, देखिएगा दर बदर भटकना पड़ेगा। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, अगर बढ़िया से देखते चले गए वन बाई वन करके तो आपकी आपको बात समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अभी हमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमने ही के साथ वास्क में लगा दिया, दे के साथ वर्क में लगा दिया, आई के साथ वास्क में लगा दिया। अभी मैं इसके पहले लिखा था कि किन के साथ वाज लगता है और किन के साथ वर लगेगा, बस वही उसी का तो पालन करना। तो आई वाज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, वे लोग खेल रहे थे, क्या बन जाएगा, वे लोग खेल रहे थे, वे लोग का इंग्लिश बन जाएगा दे, जहाँ वे सब भी दे और दे वर, खेलना का इंग्लिश क्या बन जाएगा प्ले, और प्ले में क्या जोड़ेंगे आई एन जी, क्यों जोड़ेंगे, कहेंगे वाज या वर्क के साथ क्रिया आई एन जी फॉर्म में होती है और नहीं तो थर्ड फॉर्म में होती है, ये भी याद रखिएगा। थर्ड फॉर्म में कब होती है तो पैसिव में होती है, वो पैसिव में बताऊँ, और पैसिव पैसिव सभी आठ पढ़ाते हैं तो मैं बारह का पैसिव पढ़ाऊंगा। पैसिव जिसको कहते हैं लोग नॉन इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनता, मैं इंट्रांजिटिव का भी पैसिव पढ़ाऊंगा। आप लगे रहिएगा मेरे चैनल से, जुड़े रहिएगा और मैं गारंटी के साथ करूँ वहाँ से जब मैं तर्क दूंगा फिर आपको बात समझ में आ जाएगी कि हाँ कि किस तरह से पढ़ाया जाता है और किस तरह से अब तक उसको डार्क में रखा गया था, आप देखेंगे वहाँ पे। चलिए वहाँ की बात वहाँ पे है, यहाँ पे जाने तो देवर प्लेइंग, देवर वे लोग खेल रहे थे, फुल स्टॉप लगा देंगे अगला। अच्छा फुल स्टॉप नहीं लगाते तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता, क्योंकि स्टॉप तो लगाना पड़ेगा, ठीक ना, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या इन एक्सक्लेमेशन साइन, ये तीनों में से कोई एक लगाना पड़ेगा, ठीक ना। अब किस में कब क्या लगता है इसके लिए अलग मैं क्लास में। आगे देवर प्लेइंग अगला। सीता उससे कुछ पूछ रही थी, सीता उससे कुछ पूछ रही थी, क्या बन जाएगा सीता। अब सीता का इसमें एस आई टी ये भी होता है डबल, आगे चलते हैं। सीता सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है इसलिए वाज लग जाएगा, सीता वाज, सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बना दिया उसके बाद से वर्ब का, ठीक ना। सीता वाज पूछ रही थी, पूछ का इंग्लिश नहीं होता, रहा रही किसी का भी हम ना लगाइए, पूछना की इसका बन जाएगा आस्क। अब आइए जी जोड़ लीजिए उसमें सीतावाज आस्किंग, ठीक ना, उससे सीतावाज आस्किंग हर समथिंग, हर भी कह सकते हैं अनित हिम भी कह सकते हैं, अब किससे पूछ रही थी, मेल था या फीमेल था, उसके जेंडर के हिसाब से हर या हिम लगा सकते हैं, ठीक है। सीतावाज आस्किंग हिम या हर समथिंग। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे आपने हिम चाहे हर क्यों लगाया, क्यों ने ही लगाया, क्यों ने शी लगाया, ठीक ना। याद रखिएगा मैं जो तर्क अभी देने जा रहा हूँ यह प्रोनाउन है, और जब भी कोई प्रोनाउन क्रिया के बाद आया करता है तो क्रिया के बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है, या ऑब्जेक्टिव केस में, तो ही या सी हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो सब्जेक्टिव केस में ही और सी हैं और उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। अगर मैं ही लिखना चाहता जेंडर मेल जेंडर होता तो फिर क्या करते, तब हम यहाँ पे हिम लिखे होते, यानी सीता वाज आस्किंग हर समथिंग, सीता उसे कुछ पूछ रही थी। आगे बढ़ते हैं। अब अगर अभी लग रहेगा देखिएगा मैं एक कांडो से पढ़ाऊंगा, 13 कांडो से पढ़ाऊंगा, मैं शुरू में बताना मैं भूल गया, ठीक ना, थोड़ी सी भूल हो गई। आगे बढ़ते हैं, लेकिन कोई भूल नहीं है, आप तीन का कांड एक का कांडो से पढ़ा करते हैं, लेकिन आगे बढ़िएगा देखिए बताएंगे। जी आपने क्या जाना, अफर्मेटिव सेंटेंस, जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट के पास वाज या वर, उसके पास वर्ब में आई एन जी, फिर उसके पास ऑब्जेक्ट का यूज किया करेंगे। आप इतना ही बस याद रखिएगा ना, तो ये वर्ब का फॉर्म रखिए, वर्ब के पास सब्जेक्ट आ जाता है, वर्ब के पास वर्ब के पहले सब्जेक्ट आ जाता है। अब इस तरह से जब याद करना सब्जेक्ट प्लस वाज या वर या ये वैसे कर करके भूल जाएंगे, लेकिन आप बस वर्ब जानिए, वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद से ऑब्जेक्ट होता है, इससे याद रखिए कोई दिक्कत नहीं होगी, एस वी यू, ठीक ना। तो सिर्फ हमको वर्ब याद रखना है, वर्ब जब हम याद रखे रहेंगे तो हम समझ जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या वर्ब का ही रूप गुजार रहे हैं, हर जगह सब्जेक्ट सिंगुलर प्लुरल होंगे, ऑब्जेक्ट भी बदलते रहेंगे या नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन बिना से वर्ब का कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता। तो वर्ब का फॉर्म क्या हुआ करता है, तो वर्ब के फॉर्म को आपको जानना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमने गेटिव बताना चाह रहे हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस थे। अब इसमें जितना मर्जी उतना सवाल बना लीजिए, वह खेल रहा था, वे लोग जा रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे, वह बुला रहा था,
ठीक ना, वे लोग सवाल हल कर रहे थे, वह पूछ रहा था, ठीक ना, वह चिल्ला रहा था, वह रो रही थी, वे लोग हंस रहे थे, ठीक ना। तो अब जितने भी सेंटेंस आएंगे सारे सेंटेंस इस पे बन जाएंगे आगे। अब नेगेटिव सेंटेंस अगर नहीं शब्द आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए बस एक फॉर्मूला इसमें होगा, यानी नेगेटिव सेंटेंस, जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो जाएगा तब क्या करेंगे, नहीं शब्द आएगा हिंदी में, उस नहीं शब्द की अंग्रेजी क्या बनाएंगे, वाज्यावर के बाद, वाज्यावर के बाद नहीं की अंग्रेजी बनाई जाएगी, ठीक ना। इसके लिए मैं तर्क दिया था कि नॉट के बाद से क्रिया किन किन रूपों में आया करती है, तो आप यहाँ पे नजर उठा करके देख सकते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में, इसके पिछले वाले वीडियो में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाले वीडियो में मैंने दिया है, ठीक ना, कि नॉट के बाद क्रिया, नहीं प्रेजेंट टेंस वाले वीडियो में मैंने दिया है, पार्ट थर्ड या पार्ट फोर्थ में मैंने दिया है या सेकेंड में दिया होगा, उसको देख लीजिएगा। नॉट के बाद से क्रिया किन किन रूपों में आया करती है, तो नॉट के बाद से मैंने बताया था इन्फिनेटिव फॉर्म में क्रिया आया करती है, या बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म में आया करती है, या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में आया करती है, या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आया करती है, इन्हीं चार रूपों में क्रिया आया करती है, बाकी क्रिया का कोई दूसरा रूप नहीं हुआ करता नॉट के बाद। और ये जो चारों रूप रहे, ये चारों रूप कौन से रहे, ये नॉन फाइनाइट के फॉर्म रहे, फाइनाइट के फॉर्म नहीं रहे। देखिए यहाँ पे क्रिया जो है, ठीक है, अभी आप नहीं जान पाएंगे, लेकिन यहाँ पे चर्चा सुने रहेंगे, फिर से आगे जब मैं बात बताऊंगा तो ये बात आपको खटकेगी, इसलिए मैं यहाँ पे भी बात बता दे रहा हूँ। बाप अपने बेटे के को पूरी कहानी बता कर करके मरता है, दादा पूरी कहानी बताते हैं तब जा कर करके बेटा ज्यादा उसी तरह होशियार हुआ करता है, उसी तरह से कर करके आप जितना भी पढ़ लेंगे, जब तक पूरी कहानी नहीं जानते रहेंगे जिस जगह भी बसते होंगे, ठीक, तो आप अच्छी जानकार नहीं होंगे। सेम ऐसे ही इसकी भी तो हमें पूरी कहानी जाननी पड़ेगी, मैं तो इसके जड़ में जा करके बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। आगे बढ़े तो वाज्यावर के साथ क्रिया आईएनजी फॉर्म में है, ठीक ना, पास्ट कंटीन्यूअस हम लोग पढ़ना है, इसका नेगेटिव पढ़ना है हमको, तो नॉट का अंग्रेजी क्या बनाना है, वाज या वर के बाद बनाना है, ठीक ना। अगर ये शॉर्ट फॉर्म में अगर आते हैं तो वाज नॉट को एक साथ जो कहेंगे तो वजंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाज है, नॉट इसमें जब जुड़ेगा तो इस तरह से नहीं रहेगा, ये इस तरह से हो जाएगा वजंट, वजंट। वर नॉट जब एक साथ जुड़ेगा वर प्लस नॉट तो ये हो जाएगा वरंट, वरंट, ठीक ना, ये स्पीकिंग की लैंग्वेज में इसका यूज किया जाता है। आगे चलते हैं, वाज नॉट, वे लोग गाली नहीं दे रहे थे, क्या सेंटेंस बना, वे लोग गाली नहीं दे रहे थे, वे लोग गाली नहीं दे रहे थे, आगे समझेंगे, तो वे लोग इंग्लिश बन जाएगा दे, दे गाली नहीं दे रहे थे। अब इसमें हमको करना क्या, सब्जेक्ट का अंग्रेजी हमने बना दिया दे के साथ लगता है, और वर्ड को हम लिख लें, और लिख लिया, अब वाजे वर के पास नहीं का अंग्रेजी बनानी है हमको, ठीक ना, यहीं पे नॉट नहीं का अंग्रेजी नॉट बन जाएगा, दे वर नॉट, अब गाली दे, गाली गाली का इंग्लिश अब्यूज बनेगा, ठीक ना, गाली देना का भी अंग्रेजी यही बनता है, देवर नॉट अब्यूज, ए बी ओ एस ई होता है, लेकिन जब आई एन जी जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, ई हटा देंगे, देवर नॉट अब्यूजिंग, वे लोग गाली नहीं दे रहे थे, वे लोग मुझे गाली नहीं देते, देवर नॉट अब्यूजिंग मी। अब फिर से यहाँ पे मुझे का इंग्लिश यहाँ पे मी क्यों लिख दिया गया, कहेंगे मी ही लिखा जाएगा, क्यों लिखा जाएगा भाई, कारण तो बताइए, कहेंगे कि यह ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, ऑब्जेक्ट है, इसको गाली दिया जा रहा है, और यह सब्जेक्ट है, यह गाली देने वाला है, ये क्रिया को करने वाला है, तो यह सब्जेक्ट है, तो यह सब्जेक्टिव केस में रहेगा, और यह इसको गाली दी जा रही है, क्रिया को यह नहीं कर रहा है, क्रिया इस पे हो रही है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, तो क्रिया के बाद आने वाला शब्द जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस, अगर नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, वो ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं, नाउन का रूप तो नहीं बदलता है, लेकिन प्रोनाउन का रूप बदल जाया करता है, इसीलिए इसका रूप बदल गया है ऑब्जेक्टिव केस में। आगे बढ़ते हैं, आपने क्या देखा, नेगेटिव सेंटेंस, वे लोग नहीं आ रहे थे, वे लोग नहीं पूछ रहे थे, वे लोग नहीं जा रहे थे, वे लोग नहीं काम कर रहे थे, वे लोग नहीं चिल्ला रहे थे, वे लोग इंतजार नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट वेटिंग, क्या बन जाएगा, दे वर नॉट, अभी सुबह साठ वन कहेंगे दे वरंट, वरंट का मैंने आप यहां पर रूप लिखा था, दे वरंट और वेटिंग, They weren't waiting,
वे लोग इंतजार नहीं कर रहे थे, अब वे लोग मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे, आगे सा सेंटेंस आते दे आर नॉट वेटिंग मी, गलत हो जाएगा। कहेंगे क्यों, आपने सही नहीं कहा, मेरा भी इंग्लिश आपने मी इसका ऑब्जेक्ट बनाई दिया, सही है, लेकिन याद रखिएगा वेट के बाद से जब भी कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट के पहले हम प्रीपोजिशन लगाएंगे, तो कौन सा प्रीपोजिशन होगा, फॉर, याद रखिएगा। तो वेट के बाद से हमेशा प्रीपोजिशन फॉर लगाते हैं, इसलिए फॉर लगा, दे वर नॉट वेटिंग फॉर मी, कहेंगे यहाँ पे नहीं लगा, कहेंगे यहाँ पे लगेगा। कुछ क्रियाएँ हैं जो ऑब्जेक्ट का डिमांड करती हैं, जब ऑब्जेक्ट आते हैं तो उनके साथ प्रीपोजिशन लगाया जाता है, तब जाकर के वो ऑब्जेक्ट आ पाया करते हैं, नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं आ पाते। जैसे सी सेड टू मी, सी टेंस बदल गया टू मी, लेकिन वही अगर इसे पढ़ते होंगे नरेशन में तो पढ़ते होंगे सी टोल्ड मी, इनडायरेक्ट में सी टोल्ड मी, यहाँ पर क्यों ऐसे हो गया, सेड के साथ टू लगा है, टेल के साथ टू नहीं लगा, तो कहेंगे सेट के साथ टू लगता है, टेल के साथ टू नहीं लगता है, ठीक ना। तो कुछ क्रियाएं होती हैं जिनके बाद से प्रीपोजिशन आया करते हैं, यदि ऑब्जेक्ट आते हैं तब, यदि ऑब्जेक्ट ना आए तो प्रीपोजिशन भी नहीं आएंगे, ठीक ना। इसीलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन आया हुआ, इसीलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन आया हुआ। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, दे आर नॉट वेटिंग, वे लोग नहीं इंतजार कर रहे थे, किसका, मेरा, मेरे लिए नहीं, मेरा सिर्फ होगा। आगे बढ़ते हैं, किसी भी तरह से मैं आपको डार्क में नहीं रखूंगा, याद रखिएगा। ये रहा हमारा नहीं वाला सवाल, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस को हम ऐसे ही बना लेंगे, अब इसमें मैं टाइम पास नहीं करना चाहता हूँ, आपका एमबी ज़्यादा लॉस होगा, इसको मैं बचाते हुए मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। नेगेटिव सेंटेंस जितने भी आएंगे आपके एक्सरसाइज बुक में, जो भी एक्सरसाइज बुक हो, ठीक है, तो आप आसानी से बना लेंगे। चलिए एक सेंटेंस थोड़ा सा हटा करके सब्जेक्ट को लाते हैं, जिसे उसकी बहनें शोर नहीं कर रही थी, उसकी बहनें शोर नहीं कर रही थी, उसकी बहनें, ये सब्जेक्ट है, क्रिया कौन कर रहा है, शोर करने का काम कौन कर रहा है, उसकी बहनें, ये सब्जेक्ट बनेगा, क्रिया उसकी शोर करना, ठीक ना। तो हिज सिस्टर भी हो सकता है और नहीं तो हर सिस्टर भी हो सकता है। कहेंगे कैसे पता चलेगा, कहेंगे जेंडर से पता चलेगा, ये उसके शब्द किसके लिए यूज किया आपने, बहनों से नहीं मतलब है, ये लड़के के लिए यूज किया कि लड़की के लिए यूज किया, उसके आधार पे हिज चाहे हर बनेगा। तो हिज सिस्टर्स वर लगेगा, प्लूरल हो गया, अगर उसकी बहन होता तो सिस्टर होता तब आवाज लगता, तो हिज सिस्टर्स वर नॉट, एन बनाना है अंग्रेजी, नहीं कागज यही बना देना। तो हिज सिस्टर्स वर नॉट, शोर करना इंग्लिश होता मेक इन वॉइस, नॉट मेकिंग ए नॉइस, हिज सिस्टर्स वर नॉट मेकिंग ए नॉइस। अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं, ठीक ना, यानी कोई एडजेक्टिव आया हो और एडजेक्टिव के बाद से नाउन आया हो, इस तरह के सब्जेक्ट आते हो, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, उसमें हेड वर्ड को देखा जाता है। हेड वर्ड अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अगर हेड वर्ड प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। फिर से आप कह रहे होंगे कि वर्ब कह रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब है ना, अबे नादान, ये हेल्पिंग वर्ब है, पूरी को वर्ब कह रहे हैं, इससे बना हुआ है ना, हम भी इसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वर्ब की ही सूची में तो है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंस हम बता रहे थे अब तक, अब हम आपको बताएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस में क्या रहेगा, वाज एवर और उसके साथ क्रिया में आईएनजी। कहेंगे इतना ही बता करके रह गए, हाँ इतना ही बताएंगे, यही तो पास्ट कंटीन्यूअस का पहचान है, बाकी कहेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो होते ही हैं, टेंस अगर बताना है तो क्रिया का ही नाम लेंगे, इसीलिए मैंने बता ही बताया। आगे बढ़ते हैं, चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस जब हमारा इंट्रोगेटिव होगा तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। चलिए हम अफर्मेटिव का रूल ये देखे थे कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब में आईएनजी था प्लस ऑब्जेक्ट था
अब हमारा जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो इंट्रोगेटिव की अवस्था में याद रखिएगा हमेशा सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले आ जाया करती हैं। सहायक क्रियाएं क्या होती हैं? सब्जेक्ट से पहले आ जाया करती हैं। ठीक है, ये क्रियाएं सब्जेक्ट के कारण आई, सब्जेक्ट के वजह से आई, और सब्जेक्ट के वजह से आई लेकिन सब्जेक्ट से पहले चली गई, तो इनमें इन्वर्जन हो गया, इनमें बिखराव हुआ। फिर तो इन्वर्जन इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? क्रिया सब्जेक्ट के कारण इधर होती है लेकिन सब्जेक्ट के पहले जब आ गई तो क्रिया के रूप में इन्वर्जन हुआ। ठीक ना, तो इन्वर्जन इसको इन्वर्जन कहेंगे। तो इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही यूज किया करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, अर्थात सहायक क्रिया को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और सहायक क्रिया का सब्जेक्ट से पहले आना इन्वर्जन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा रूल क्या बन जाएगा? सबसे पहले वाज या वर्ब होगा, वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी। अच्छा, इसमें कुछ रट तो नहीं रहे हैं? क्या रट रहा था? एस वी यू हमारा रूल था। अब इसमें क्या हो गया? सब्जेक्ट के बाद क्रिया आती लेकिन क्रिया सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले आ गई, इंट्रोगेटिव है बस, आगे प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आगे बढ़ जा रहे हैं। अब इस नियम का हम प्रयोग कहाँ करेंगे जान लें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसी को कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को, फॉर्मेट को, एस नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव, एस नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव, आंसर टाइप इंट्रोगेटिव, यानी ऐसे स्ट्रक्चर से एस या नो में आंसर निकला करता है, इसलिए इसको एस नो आंसर टाइप, इसको फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव भी कहा गया। ठीक ना, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव भी कह देते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या वे लोग मेरा इंतजार कर रहे थे? देखिएगा, इसमें सवाल पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे इस क्या का अंग्रेजी नहीं बनाया जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका आंसर हाँ या ना में, इसी क्या शब्द से अगर ऑब्जेक्ट की तलाश की जाती तो इसका इसकी अंग्रेजी बनाई जाती व्हाट, लेकिन यहाँ पर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका आंसर हाँ या ना में है, तो हम इस वाले स्ट्रक्चर का यूज कर लेंगे। ठीक ना, वाज या वर को अगला, तब ध्यान दीजिएगा। तो क्या का अंग्रेजी बनाना नहीं, व्हाट नहीं बनाना है, वाज या वर लगाना है। अब बात आ रही है वाज लगाएं या वर लगाएं, ये कौन बताएगा? तो सब्जेक्ट बताएगा। कहेंगे क्यों सब्जेक्ट बताएगा? कहेंगे ये सहायक क्रिया है और ये सहायक क्रिया सब्जेक्ट से ही संचालित होती है, इनका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुआ करता है, सब्जेक्ट कंकर्ड भी हुआ करता है, ये रूल है। ठीक ना, यानी कर्ता क्रिया की रजामंदी, कर्ता क्रिया की रजामंदी, तो ये क्रिया अपने कर्ता से राजी हुआ करती है। ठीक ना, तो अब राजी कराया जाए, वाज या वर लगा दिया जाए। ठीक ना, तो वाज लगा दिया जाएगा तो सब्जेक्ट तो नहीं बदल पाएगा, लेकिन सब्जेक्ट से जाकर के पूछेंगे तुम हो कौन, तो कहेगा कि मैं प्लूरल हूं। ठीक ना, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो तो तू वे लोग इंग्लिश बन जाएगा दे, तो आप कहेंगे तुम्हारे साथ सहायक क्रिया कौन, कहेंगे प्लूरल वर्ब लगाएंगे, तो वर लगेगा इसके साथ, वर को पहले लिख देंगे वर दे। अब क्रिया की बारी है इंतजार करना, इंतजार करने का इंग्लिश बनेगा वेट, और आईएनजी इसमें जुट जाएगा, दे वर दे वेटिंग मेरा, तो माई नहीं बनेगा आप इसका इंग्लिश, माई मी बनेगा, क्या बनेगा? मी बनेगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, अब इसके पहले मैंने तर्क दिया था, वेट के बाद से जब भी कोई ऑब्जेक्ट आएंगे तो उस ऑब्जेक्ट से पहले हम प्रीपोजिशन फॉर लगाएंगे, यहाँ पे फॉर लगेगा, वर दे वेटिंग फॉर मी, वर दे वेटिंग फॉर मी, बात समझ में आ रही? अगला, क्या वे लोग उससे कुछ पूछ रहे थे? वर दे आस्किंग, वर दे आस्किंग,
हिम क्वेश्चन मार्क क्या वे सब काम कर रहे थे तो क्या बनेगा वर दे वर्किंग या वर दे डूइंग द वर्क क्या वे लोग सवाल हल कर रहे थे वर दे सॉल्विंग द क्वेश्चन बन जाएगा अब इसमें जितने सारे सवाल होंगे बना लीजिएगा करना क्या है क्या से जब वाक्य की शुरुआत होगी तो सहायक क्रिया वाज या वर को सब्जेक्ट से पहले लिख डालिएगा ठीक ना अब वाज लिखा जाएगा कि वर लिखा जाएगा ये सब्जेक्ट बताएगा उसके हिसाब से वाज या वर लगा लीजिएगा आगे बढ़े बढ़ते हैं अब इसमें जो भी एक्सरसाइज होगा जहां भी किसी भी किताब उठाइएगा उससे एक्सरसाइज कर लीजिएगा अब मैं सारे एक्सरसाइज भी यहाँ पे कराता जाऊँ तो उचित नहीं होगा वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ये तो सीनियर लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ अभी इससे भी सीनियर होगा ये बेसिक है सीनियर में लेकिन बेसिक के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसमें सब कुछ मिलेगा आगे बढ़ते हैं वाज या वर इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप एस एन आंसर टाइप अब इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अब सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव हो गए इसी को कह सकते हैं डब्ल्यू एच टाइप यानी ऐसे प्रश्न जो डब्ल्यू एच से शुरू हुआ करते हैं वाई वे व्हाट वेयर डब्ल्यू एस फैमिली का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा प्रश्नवाचक शब्दों का और अलग से वीडियो उसको देख लीजिएगा अब यहाँ पे भी हर जगह बताते जाऊँगा तो फिर भी दिक्कत होगी लेकिन जहाँ पे थोड़ी थोड़ी बातें प्रॉब्लम में आपको डालेंगे तो एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व होगा अब एक साथ हमको कई अगर बीमारी हो तो डॉक्टर एक ही बार में सारी बीमारियों का इलाज नहीं कर देगा ठीक है अगर हमें पेट में बीमारी हो पथली हो ठीक है हमारा पैर टूटा हो ठीक है आँख भी खराब हो गई हो तो फिर क्या डॉक्टर करेगा पहले जो मेन होगा उसका इलाज करेगा फिर उसके बाद ऐसे करके तो सेम ऐसे ही आप अभी सीख रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप ही तो सीखेंगे एक ही दिन में सारा थोड़ा सीख लेंगे आगे बढ़ते हैं तो सेकेंड टाइप इंडिकेटिव इसी को कहेंगे डब्ल्यू एस टाइप इंडिकेटिव अब अगला जो रूल हमारा हो जाएगा जब ऐसे शब्द आएंगे प्रश्नवाचक शब्द उसमें रहेंगे तो प्रश्नवाचक शब्द जब आएंगे तो हम सबसे पहले उन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिख लेंगे फिर उसके बाद से इंट्रोगेटिव का जो रूल है सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करना इसी को कहते हैं इन्वर्जन तो रूल ऑफ इन्वर्जन लगा देंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस इन्वर्जन और क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे हो तो गया कोई दिक्कत नहीं एक शब्द नहीं तो ऐसे लिखना पड़ता आपको क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर या उसके बाद से सब्जेक्ट फिर उसके बाद से वर्ब में आई एन जी फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क क्यों इतने झंझट में पड़ेंगे आप बस ये जानिए कि इंट्रोगेटिव का रोल होता है कि सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया का यूज करना मैं तकनीकी से आपको याद भी करा रहा हूँ अपने मर्जी से याद करेंगे तो दूसरे तरह से होगा है ना तो अब जब प्रश्नवाचक शब्द आ जाएंगे तो उन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे और यही रूल यहाँ पे लगा देंगे इंट्रोगेटिव का रूल सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया यानी इन्वर्जन लगा देंगे यहाँ पे ठीक है रूल ऑफ इन्वर्जन आगे चलते हैं यही है इन्वर्जन इतना हाँ अब सेंटेंस हम दे रहे हैं क्यों क्या कब कैसे कहाँ कौन से कितना कितने किसका किसकी ये शब्द आया करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं मिटाते रहें आप इसके साथ ले लीजिएगा अभी इसके पहले मैं अलग ही था वे लोग क्यों रो रहे थे वे लोग क्यों रो रहे थे वे लोग क्यों रो रहे थे देखिए काम हो रहा था बीते हुए समय में अतः पास्ट कंटिन्यूअस है ना क्यों शब्द की अंग्रेजी पहले बनाई जाएगी प्रश्नवाचक जो भी प्रश्न पूछेंगे सेंटेंस में उन शब्दों की अंग्रेजी पहले बनाई जाएगी क्यों का इंग्लिश बनता है वाई वे अब उसके बाद से रूल ऑफ इन्वर्जन
रेगुलर अफिनोवेशन का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया, सब्जेक्ट हमारा क्या वेलो का इंग्लिश मैंने कहते हैं दे के साथ लगेगा और वर्ब को लिखेंगे पहले, याद रखिएगा जैसे मैं बोला वैसे ही, वाई वर दे, ठीक है ना। अब रो का इंग्लिश नहीं होता है लेकिन रोना इंग्लिश होता है, रोना इंग्लिश मैंने कहा वीप, वीप में जुट जाएगा आई एन जी, वाई वर दे वीपिंग, वाई वर दे वीपिंग, वे लोग क्यों रो रहे थे, तुम लोग कहाँ जा रहे थे, तुम लोग कहाँ जा रहे थे, कहाँ पे इसका समझेंगे वेयर, वेयर का इंग्लिश पहले लिख डाली यहाँ पे वेयर, ठीक ना। सबसे पहले पहले समाज शब्द क्या अंग्रेजी हमें बनानी है, बन गया। तुम लोग का इंग्लिश क्या बनेगा यू, और लोग का इंग्लिश पीपल नहीं बनेगा, याद रखिएगा। तो तुम लोग का इंग्लिश बन गया यू, यू के साथ रहेगा और वर्ग को लिखेंगे पहले, पूरा नंबर है तो वेयर वर यू। अब किसकी इंग्लिश लिखनी है, क्रिया की, जा, जा का अंग्रेजी नहीं होता है उसमें ना जुड़ी है, जाना, जाना का इंग्लिश क्या बनेगा गो, गो में क्या जुड़ जाएगा आई एन जी, वेयर वर दे गोइंग, ये लोग कहाँ जा रहे थे, तुम क्या पूछ रहे थे व्हाट वर यू आस्किंग, तुम क्यों रो रहे थे व्हाई वर यू वीपिंग, वो क्यों बुला रहा था व्हाई वाज ही आस्किंग, व्हाई वाज ही कॉलिंग, व्हाई वाज ही कॉलिंग। तो इस तरह करके सारे सेंटेंस बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले। अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्नवाचक शब्द जब सब्जेक्ट के साथ आते हैं तब ये रूल रहा, लेकिन प्रश्नवाचक शब्द जब सब्जेक्ट के साथ ना आए तब रूल बदल जाएगा। अब प्रश्नवाचक शब्दों में हम वो विभाजन पहले, चलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव बता देते हैं, फिर उसके बाद हम उसको बदल लेंगे। जैसे वह क्यों नहीं हंस रही थी, वह क्यों नहीं हंस रहा था, वह क्यों नहीं हंस रहा था, और क्यों नहीं हंस रहा था, देखिएगा why, उसके बाद से क्या प्रश्नवाचक शब्द के नीचे बनेंगे, अब इंट्रोगेटिव का रूल हो जाएगा, अर्थात सब्जेक्ट से पहले सहायक किया, सब्जेक्ट हमारा वह है, वह का इंग्लिश बनेगा ही, शी भी बना करता है लेकिन यहाँ पे जेंडर है मेल इसलिए ही बनेगा, तो वाई वाज ही, क्यों वाज पहले आ गया, कहेंगे प्रश्नवाचक शब्दों के बाद से इंट्रोगेटिव का रूल लगा दिया जाता है, ठीक ना। तो इंट्रोगेटिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया लगाना, क्लियर है। आगे हंसना की इंग्लिश बनेगा हंस, हंस का इंग्लिश नहीं बनेगा, हंसना की इंग्लिश बनेगा, हंसना की इंग्लिश बनेगा लाफ, लाफ में जुट जाएगा आई एन जी, वाई वाज ही, ये हो गया लाफ, आई एन जी जुट जाएगा, वाई वाज ही लाफिंग, हो गया वाई वाज, अच्छा सॉरी नहीं का इंग्लिश बनाना है तो वाई वाज ही, और नहीं का इंग्लिश यही बन जाएगा। तो याद रखिएगा निगेटिव का जब रूल था तो क्या कर किया जाए, सब्जेक्ट वाज से वाज और सब्जेक्ट से वाज, फिर नहीं का इंग्लिश बनाते नॉट, तो नॉट नहीं लगा लीजिए, नॉट वाज वर निकला ना, तो वाई वाज ही नाउ नॉट लाफिंग। तो याद रखिएगा जब भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा उसके साथ सब्जेक्ट आए होंगे तो सब्जेक्ट के बाद से नहीं का अंग्रेजी बनाइएगा, ठीक ना। जबकि नेगेटिव का रूल था कि वाज या वर के बाद से नहीं का अंग्रेजी बना रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब हमारा सेंटेंस हो जाएगा तो वाज या वर निकल गए तो फिर ये नॉट कहाँ चला जाएगा, इनके साथ नहीं चला जाएगा, नहीं जा पाएगा, ठीक ना। लेकिन एक शर्त है अभी जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए सब्जेक्ट के बाद से नॉट की इंग्लिश बनाएंगे, और नहीं तो इसका अभी मैं बताया था अब्रिविएशन फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म संक्षिप्त रूप, तब इस तरह से हो जाएगा वाई वजंट, वाई वजंट इस तरह से लिखना पड़ेगा नॉट का इस ये फॉर्म जब लिखेंगे, नॉट को अलग लिखेंगे तो सब्जेक्ट के बाद से नॉट आएगा, लेकिन अगर इसी के साथ लिखेंगे तो वजंट, ये स्पीकिंग की भाषा है। आगे चलते हैं, तो वाई वजंट लाफिंग, और क्यों नहीं हंस रहा था, वे लोग क्यों नहीं काम कर रहे थे, वाई वर दे नॉट वर्किंग, वाई वर दे नॉट वर्किंग, वाई वर दे नॉट वर्किंग, वे लोग काम क्यों नहीं कर रहे थे, वाई वर दे नॉट वर्किंग। फिर से यहां पे भी ऐसे कर सकते हैं वाई वरंट दे वर्किंग, ये नॉट यहां पे आ सकता है इसके साथ जब अब्रिविएशन फॉर्म में होगा, लेकिन अलग अलग जब रहेंगे तो एक शब्द या एक शब्द या, लेकिन जब नॉट इसके साथ आ जाएगा
देखिए वाज नॉट, तो वाज अलग शब्द है, एक दो तीन चार पांच शब्द आए हुए इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में पांच शब्द हैं इस सेंटेंस में, लेकिन जब इस तरह से कहेंगे तो वाई वजंट ही लॉफिंग, तब जा कर करके ये नॉट और वाज एक साथ जुड़ गए तो एक एक शब्द बन गए, तो वजंट हो जाएगा तो एक शब्द घट जाएगा, सेम ऐसे ही यहाँ पे आएगा तो घट जाएगा, वाई वरंट दे वर्किंग, वे लोग क्यों नहीं काम कर रहे थे। अगला, अब मैं आगे बताने की कोशिश करूंगा कि प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट के साथ आएंगे तो ये नियम लग जाएगा, लेकिन प्रश्नवाचक शब्द किसी सब्जेक्ट के साथ न आए, किसी सब्जेक्ट के साथ न आए, प्रश्नवाचक शब्द खुद सब्जेक्ट बन करके आए, क्या ऐसा भी होता है क्या? जी होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कौन हंस रहा था, कौन बुला रहा था, कौन बुला रहा था, कौन का इंग्लिश क्या बन जाएगा? हु, बुलाना। अब देखिएगा ये क्रिया को कौन कर रहा है, बुलाने का काम कौन कर रहा है, कौन शब्द कर रहा है, तो यह प्रश्नवाचक शब्द है और यही कर्ता बना हुआ है, यह सब्जेक्टिव केस में है। कहेंगे अच्छा प्रश्नवाचक शब्द भी सब्जेक्टिव केस में होते? जी सब्जेक्टिव केस में होते, ऑब्जेक्टिव केस में होते, पॉसेसिव केस में भी होते। ये ऑब्जेक्ट का भी काम किया, सॉरी ये एडजेक्टिव का काम किया करते, ये पॉसेसिव सॉरी हाँ पॉसेसिव एडजेक्टिव का काम किया करते, ये एडवर्ब का भी काम किया करते प्रश्नवाचक शब्द। आगे बढ़ते हैं, आप लगे रहेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको उतनी जानकारी दूंगा कि अब तक मैंने जो 38 साल में मेहनत कर कर करके पाया है, दिन और रात पढ़ाई कर कर करके मेहनत कर करके पाया है, ठीक ना, जो YouTube पे नहीं मिल पाता उन सारी चीज़ों को मैं आपको समझाऊंगा। आपके लिए अभी भी मेहनत मेरी जारी है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए कुछ खास दूं, आप बने रहें मेरे साथ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप उस वीडियो को देख सकें, उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। बढ़ रहा हूं आगे, हु वाज बुलाना के इंग्लिश, बुला बुला के इंग्लिश नहीं बनेगा, बुलाना के इंग्लिश बनेगा, ना जोड़ेंगे रहा रहेगी जगह पे, तो बुलाना के इंग्लिश बनेगा काल, और काल में आई एन जी जुट जाएगा। ओके, अब जरा देखा जाए यह क्या है, किस टेंस का है सवाल, कहेंगे अरे आपने हेडिंग लगाया पास्ट कंटिन्यूअस का, कहेंगे कैसे साबित कीजिए, कहेंगे साबित कर रहा हूँ ये क्रिया का रूप है ना, तो कहेंगे क्रिया का रूप है तो वर्ब में आई एन जी जुटा हुआ है तो, और वर्ब भी आया हुआ है तो जब भी वर्ब भी के साथ आई एन जी आया करता है तो कंटिन्यूअस होता है, तो कंटिन्यूअस है, और उसके साथ बी का रूप लगा हुआ, बी का रूप लगा तो कंटिन्यूअस है, लेकिन बी का कौन सा रूप है, प्रेजेंट का कि पास्ट का, तो पास्ट का, तो इसलिए हो गया कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है, क्या है पास्ट कंटिन्यूअस। अब कहेंगे सेंटेंस कैसा, कहेंगे प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है तो इसीलिए प्रश्नवाचक सेंटेंस है, ठीक है, वाक्य है, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आगे चलता है, हु वाज कॉलिंग, कौन बुला रहा था, तो क्या बन जाएगा, ये बन गया कौन बुला रहा था। अगला, कौन जा रहा था, कौन नहीं जा रहा था, कौन नहीं जा रहा था, क्या बन जाएगा, हु वाज नॉट गोइंग, कहेंगे आपने इसे कैसे बना दिया, कहेंगे बनेगा कैसे, नहीं आया नहीं शब्द की अंग्रेजी काम नहीं जाते वाज यावर के बाद, नहीं सब क्या जो वही बनाई जाती है, अब इसके पहले तो सब्जेक्ट तो पहले भी बना दिए थे तो हाँ तो हो जाएगा, हु वाजंट गोइंग, क्या बन जाएगा, हु वाजंट गोइंग, इसमें सब्जेक्ट नहीं आया हुआ, ये प्रश्नवाचक शब्द ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो कौन नहीं जा रहा था, हु वाजंट गोइंग, कौन। आगे चलिए, आगे एक दिमाग में एक बात और आ रही है, हु से हु के साथ आपने वाज क्यों लगा दिया, क्यों नहीं वर लगा दिया, कैसे पता चल रहा है कि सिंगुलर है, तो याद रखिएगा, कहेंगे हु के साथ वाज ही लगता है,
नहीं यहां से नहीं है, यहां पे हो शब्द जो आया हुआ है, हो शब्द के जगह पे ये प्रीपोजिशन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, सॉरी प्रीपोजिशन बोल रहे हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो ये प्रोनाउन जो है, जो इस नाउन को छिपा रखा है, वह एक नाउन छिपाया है, ठीक ना, इसीलिए यह सिंगुलर है। अगर यह दो या दो से अधिक नाउन छिपा लेता तो फिर यह प्लूरल हो जाता, तब प्लूरल हो जाता तब क्या करते, जैसे अब बॉय का प्लूरल बनेगा बॉयज, गर्ल का प्लूरल बनेगा गर्ल्स, पेन का प्लूरल बनेगा पेन्स, तो क्या हु का भी प्लूरल बन जाएगा हुज, ऐसे उड़ देंगे, नहीं, आगे बता रहा हूं, चलिए देखिए। तो जब प्रश्नवाचक शब्द प्लूरल हो जाए तब, प्रश्नवाचक शब्द सिंगुलर, पहले प्रश्नवाचक शब्द आ रहे थे, फिर सब प्रश्नवाचक शब्द कर्ता बन करके आने लगे, सब्जेक्ट के साथ आ रहे थे, अब कर्ता बन के आने लगे, अब कर्ता बन करके आने लगे, तो फिर सब क्या होने लगे कि अब ये सिंगुलर और प्लूरल में दिखाई देने लगे, तब क्या होगा, तब ये हो को सिंगुलर माना जा रहा है। प्लूरल जब हो जाएगा तो देखिएगा क्या हो जाएगा, कौन कौन नहीं जा रहा था, तब ऐसे हिंदी नहीं होगा, तब होगा कौन कौन नहीं जा रहे थे, कौन कौन नहीं जा रहे थे, अब इंग्लिश क्या बना, कौन कौन हो कह दिया था, नहीं ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, कुछ प्रश्न कुछ शब्द होते हैं अंग्रेजी में जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता, लेकिन क्रिया को उनके साथ बदल दिया जाए तो उनका अर्थ बदल जाएगा, उनका फॉर्म बदल जाएगा। तो हु कौन कौन का इंग्लिश बनेगा हु, और इसके साथ वर्ब लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कई सारे नाम छिपे, कौन कौन नहीं जा रहे थे, इसमें पता चल रहा कौन नहीं जा रहा था, रमेश नहीं जा रहा था, या सीता नहीं जा रही थी, या उसका भाई नहीं जा रहा था, ठीक है, या कोई एक ही नाम छिपा हुआ, यहाँ पे देखिए कितने नाम छिपे हुए हैं, ठीक है, कौन कौन नहीं जा रहा, रमेश, महेश, दिनेश, सुरेश, रहीम, मैंने कौन कौन नहीं जा रहे थे, कई सारे नाम आ गए, इसलिए अब हु कौन कौन शब्द बता रहे हैं कि ये इंडिकेटिव, ये तो है ही है, लेकिन इसके जगह पर कई सारे नाउन छिपे हुए हैं, इसलिए कहेंगे कि यह इंडिकेटिव वर्ड अब प्लूरल फॉर्म में दिख रहा है, इसीलिए यहाँ इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, हु वर नॉट गोइंग, हु वर नॉट गोइंग, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बात समझ में आ गई, और आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पास करके देख लिया कीजिएगा, आगे ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, किस लड़की के पिताजी अंग्रेजी बोल रहे थे, किस लड़की कह दें या लड़का कह दें, वो इंग्लिश बदल जाए, किस लड़की के पिताजी अंग्रेजी बोल रहे थे, ध्यान दीजिएगा, किस लड़के के पिताजी अंग्रेजी बोल रहे थे, बोलने का काम कौन कर रहा था, प्रश्नवाचक शब्द ही है, अब ध्यान दीजिएगा इसके साथ नाउन आया हुआ है, प्रश्नवाचक शब्द के साथ नाउन आया हुआ है, तो अब प्रश्नवाचक शब्द को अलग नहीं कर पाएंगे, इसी के साथ रखेंगे, तो देखिए किस शब्द बनेगा, किस लड़के के पिताजी अंग्रेजी बोल रहे थे, कौन सी लड़की अंग्रेजी बोल रही थी, पहले इसको बना करके देखते हैं, कौन सी लड़की अंग्रेजी बोल रही थी, आपके लिए मैं आसान बना रहा हूं, कौन सी लड़की अंग्रेजी बोल रही थी, कौन सी लड़की अंग्रेजी बोल रही थी, क्या बन जाएगा, विच गर्ल, विच गर्ल, अब देखिएगा एक सिंगुलर नंबर नाउन है, गर्ल सिंगुलर नंबर है, कौन कौन सी लड़कियां अंग्रेजी बोल रही थी, ये नहीं कहा जा रहा, तो कौन कौन सी लड़कियां अंग्रेजी बोल रही थी, तब हो जाता विच गर्ल्स, जब गर्ल्स हो जाता तो क्रिया का रूप बदल जाता, सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, तो यहाँ पे सिंगुलर है, तो विच गर्ल वाज, बोलना इंग्लिश बन जाएगा स्पीक, आई एन जी, विच गर्ल वाज स्पीकिंग इंग्लिश, अब कहेंगे आपने सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से की, बीच में कैपिटल लेटर कहां से आ गया,
कहेंगे याद रखिएगा, जब भी प्रॉपर नाउन आएगा तो प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, इसलिए यहाँ पे ई को कैपिटल लेटर से लिखा गया, वो प्रॉपर नाउन है। आसान आ गए? तो विच गर्ल वाज, अगर होता कौन कौन सी लड़कियां अंग्रेजी बोल रही थी तो विच गर्ल्स वर, जब ये गर्ल्स हो जाता तो यहाँ पे वर हो जाता, विच गर्ल्स वर स्पीकिंग इंग्लिश, कौन कौन सी लड़कियां अंग्रेजी बोल रही थी। अब चलिए लगे हाथ इसको समझ लेते हैं, किस लड़के के पिताजी अंग्रेजी बोल रहे थे, किस लड़की के, अब कौन सी का अंग्रेजी बन गया विच, लेकिन किस लड़के के पिताजी का अंग्रेजी देखिए क्या बन रहा है, तब भी विच ही बनेगा, विच गर्ल्स फादर, विच गर्ल्स, अब गर्ल्स ये नहीं होगा, विच गर्ल्स फादर, कहेंगे अभी हम लोग सेटिस्फाई नहीं है, तो आप सेटिस्फाई नहीं है तो चलिए सेटिस्फाई करते हैं, काकी के का अंग्रेजी या तो आफ बनता है, नहीं तो अपोस्ट्रोफ एस बनता है, नहीं तो सिर्फ अपोस्ट्रोफ बनता है, तो यहाँ पे क्यों, तो याद रखिएगा किस लड़की के पिताजी, तो विच गर्ल्स, गर्ल्स अपोस्ट्रोफ लगा हुआ, अब किन किन लड़कियों के पिताजी अंग्रेजी बोल रहे थे, ऐसा नहीं कहा गया, तब उसका ट्रांसलेशन दूसरा हो जाएगा, ठीक ना, तो विच गर्ल्स अपोस्ट्रोफ लगा हुआ है, तो इसका अर्थ होगा किस लड़की के पिता, तो विच गर्ल्स फादर, अब फादर शब्द हेड वर्ड है, इसी के हिसाब से क्रिया लगेगी, यानी कि गर्ल के हिसाब से लगेगी, विच गर्ल्स फादर वाज स्पीकिंग, बोलना कि नहीं स्पीकिंग इंग्लिश, विच गर्ल्स फादर वाज स्पीकिंग इंग्लिश, क्लियर हुआ, विच गर्ल्स फादर वाज स्पीकिंग इंग्लिश, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे कर करके और प्रश्न वाचक शब्द को अगर जानना है तो हम इसके पहले पास्ट इंडेफिनिट में भी और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी प्रश्नवाचक शब्दों को मैंने दिखाया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग मैंने बताया है वीडियो नंबर 4 में, और पास्ट इंडेफिनिट में वीडियो नंबर 2 में बताया है, ठीक है ना, तो उन प्रश्नवाचक शब्दों को वहाँ देख लेंगे और वहाँ से देख कर करके आप आसानी से बना सकते हैं। अगला चलिए एक और बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, एक जगह अभी पॉसेसिव केस आया हुआ है, अब देखिएगा किस लड़की के पिताजी के दोस्त कहाँ जा रहे थे, किस लड़की के पिता जी के दोस्त कहाँ जा रहे थे, कहेंगे बाप रे बाप, यह भी प्रश्नवाचक शब्द, यह भी प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, तो जब भी मैं इंट्रोगेटिव पढ़ाता हूं तो हमारे सेंटेंस तो सिंगल प्रश्नवाचक शब्द वाले होते ही नहीं, सिंगल वाला बता करके कि मैं डबल ट्रिपल प्रश्नवाचक शब्दों का यूज मैं किया करता हूँ एक ही सेंटेंस में, उठा करके देखिए मेरा जितना भी वीडियो है, जब भी मैं इंट्रोगेटिव पढ़ाऊंगा तो उसमें एक शब्द नहीं प्रश्नवाचक आएगा, तमाम सारे आएंगे, तो अब रूल क्या होगा इसको जरा देखा जा, जबकि रूल इस तरह से है कि जब भी सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होगा तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बना दी जाएगी और उसके बाद से इन्वर्जन, इन्वर्जन कहेंगे बाप रे बाप घपला हो गया यहाँ पे, क्या घपला हो गया भाई, एक प्रश्नवाचक शब्द आया और एक प्रश्नवाचक शब्द का कोई इसमें जगह ही नहीं है, तो चलिए इसके लिए मैं बता देता हूं, तो इसमें जब दो या दो से अधिक प्रश्नवाचक शब्द आएंगे तो या तो एक सब्जेक्ट बन करके आएगा, एक ऑब्जेक्ट बन करके आएगा, या अगला अगर कोई आएगा तो एडवर्ब बन करके आएगा, क्या बन करके आएगा, एडवर्ब बन के आएगा, ठीक ना, अन्य तो दोनों ऑब्जेक्ट बन करके आ सकते हैं, कहेंगे बाप रे बाप ऐसे कैसे, चलिए तो इसे लिख लेते तो सही होता, लेकिन याद रख रहा हूं अभी मैं बता रहा हूं, चलिए यानी दो प्रश्नवाचक शब्द वैसा लिख सेंटेंस दे लेने दीजिए, नहीं तो भूल जाएगा, कौन किसके लिए क्या ला रहा था,
कौन किसके लिए क्या ला रहा था, और आगे कह सकते हैं कौन किसके लिए कहां से क्या ला रहा था। कोई घबराने की बात नहीं है, सिर्फ प्रश्नवाचक। एक गांव है जहां पे सिर्फ सांप ही सांप पाए जाते हैं, जिस गेहुआ कोबरा को देख करके हम लोग डरते हैं, वहां के बच्चे बच्चे उन सांपों से खेला करते हैं, ठीक ना। सिर्फ ऐसे ही है, जब आप जान जाएंगे ना तो इन शब्दों से खेलना सीखेंगे तो फिर आप बहुत आनंद पाएंगे। हमको तो इसी में आनंद मिला करता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए कितने प्रश्नवाचक शब्द आए, 1 2 3, 3 प्रश्नवाचक शब्द। देखिएगा इसको पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद से मैं आगे कुछ बताऊंगा। किस लड़की के पिताजी के दोस्त कहाँ जा रहे थे, तो किस लड़की, ये सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक ना। लेकिन देखिएगा ये अभी सब्जेक्ट ये नहीं है, किस लड़की के पिताजी के दोस्त कहाँ जा रहे थे, जाने का काम कौन कर रहा था, दोस्त कर रहे थे, किसके दोस्त थे, पिताजी के, किसके पिताजी के, लड़की के। क्लियर हुआ, तो हमारा सब्जेक्ट इसमें कहाँ है, ये इतना सब्जेक्टिव पार्ट है, इतना पार्ट क्या है, सब्जेक्टिव पार्ट है। तो देखिएगा बनेगा कहाँ से, किस लड़की के पिताजी के दोस्त, तो याद रखिएगा ये के का जो अंग्रेजी होगा ना, के की का यानी का की के का अंग्रेजी जो बना करता है, या तो अपोस्ट्रोफ एस बनता है, या सिर्फ एस बनता है, या ऑफ लगाया जाता है। तो अपोस्ट्रोफ एस का जो नियम हुआ करता है।